असलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाऊंगी पटियाला शलवार की कटिंग। सिंपल इसकी कटिंग होती है, जैसे सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कुंदों वाली शलवार जैसे हम कट करते हैं वैसे इसको कट करना है। कुंदों वाली शलवार की कटिंग तो आपको आती होगी, वो भी मैं सिखा दूंगी आपको। कुंदों वाली शलवार के ऊपर अगर हम बेल्ट लगा दें तो उसे पटियाला शलवार कहते हैं। तो पटियाला शलवार की कटिंग के लिए हमें क्या करना होता है, लेंथ मैं रखती हूँ 37 इंच रखती हूँ। तो इस हिसाब से क्या करना है हमने, ये मैंने पीस वैसे उतार के रखे हुए हैं कि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, आपको समझ तो आ जाएगी कितने पीसेज उतारने हैं। ये देखिए, ये है 32 इंच है, 37 इंच लेंथ होती है। तो ऊपर 5 इंच का हमने बेल्ट डालना है, 5 इंच का बेल्ट डालेंगे ये, तो ये क्या हो गया 37। 5 इंच का मैंने ऊपर बेल्ट का कपड़ा छोड़ दिया हुआ, नीचे मैंने रख लिया 37 इंच तक। ये हमारा साइड वाला जो पीस होता है कुंदों के साथ, वो पीस है 5 इंच जिसके बन जाएंगे, 5 वाला पीस है। तो ये होता है 5 हमारा होता है 6 इंच का। लेंथ मैंने रख ली 32, ऊपर 5 इंच बेल्ट होगा तो 37 हो जाएगी तैयार। तो ये मैंने रखा इसका 5 होता है 6 इंच का, 6 इंच का इसका 5 बन जाएगी। मैंने पीस उतारा हुआ, लेंथ इसकी थी 32 इंच, ठीक है, और 5 इसका होता है 6 इंच का, 6 इंच का इसका पहुँचा हो गया ऊपर से भी और नीचे से। ये इसके इसका जो है पांचे का पीस है। इसके साथ हमने क्या करना है, पांचे के पीस से जो कपड़ा बचा है ये वाला साइड, ये मैंने आपको इसका 5 का पीस उतारना बता रही है कि सिंपल आपने ऊपर 5 इंच का बेल्ट छोड़ के 32 इंच लेंथ लेनी है और 6 इंच ये देखें डबल पीस है, 4 पीस बनते हैं, एक एक साइड का, 2 पांचे बनने हैं ना, ये 2 पांचे बनेंगे। ये एक पीस को ऐसे हम फोल्ड करेंगे, एक पांचा ये और एक ये नीचे वाला डबल पीस हो गया, ठीक है। ये हमारे 5 के पीस निकाल लिए, इसी में से हमने बेल्ट निकाल लिया। ये पीस है हमारे पास, सिंगल मैं कट कर लेती हूँ, आप लोग डबल कर लेना। ये बेल्ट काटना मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बता दिया, वो सिंपल जो ट्रोजर के ऊपर बेल्ट लगाना बताया है, फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी आपको। बेल्ट की लेंथ हम रखेंगे 8 इंच, लंबाई इसकी हम रखेंगे 8 इंच और इसकी जो है चौड़ाई हम रखेंगे, मैं रखती हूँ 23 इंच। पहले मैंने बेल्ट कट करना बता दिया हुआ अपनी पिछली एक वीडियो में, फिर भी मैं आपको उसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी, ठीक है। ये रखिए 23 इंच मैंने इसकी ये चौड़ाई रखी है और लंबाई इसकी 8 इंच रखी है मैंने। यहाँ से 8 इंच पे निशान लगाएंगे, ऐसे करके निशान लगाते हैं, निशान लगा के कट कर लेंगे, वैसे लोन का पीस है ये तो वैसे ही फट जाता है। ये बेल्ट का पीस निकल आया, तेईस इंच में रखती हूँ। अगर कोई ज़्यादा हेल्दी है तो अपने हिसाब से 25-26 जितना चाहे वो रख सकता है अपनी हेल्थ के हिसाब से। अगर कोई ज़्यादा हेल्दी है वो ज़्यादा रख ले, अगर कोई वीक है तो वो इससे कम रख ले। मैं 23 रखती हूँ। ये कटिंग कर दी होगी इसकी, ये हो गया हमारा बेल्ट, ये हमारा बेल्ट हो गया। अब मैं आपको इसके कुंदों की कटिंग बता देती हूँ कि कुंदों की कटिंग कैसे होती है। ये हमारा पीस है, हमने जिस तरह वो 32 इंच रखी हुई थी लेंथ, इसी तरह इसकी भी 32 इंच लेंथ है। ये देखिए 32 इंच लेंथ का मैंने पीस उतार के रख लिया है, ये फोल्ड किया हुआ है इसे 32 इंच। कुंदे की कटिंग ऐसे करते हैं, सबसे पहले हमने क्या करनी है, लेंथ किनारी की तरफ से लेनी है लेंथ। तो क्या करेंगे इसको 32 इंच, ये देखिए मैंने पहले 32 इंच का ही पीस उतार के रखा हुआ है। तो लेंथ उतारने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी यहाँ से इसका 5 होता है 3 इंच का रखते हैं, यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, 3.5 पे लगा दिए मैंने, ये किनारी आएगी ना इसलिए मैंने किनारी की वजह से 3.5 इंच रख ली, 3.5 इंच पे ये निशान लगाना है। उधर से हमने अपना घेर देख लेना, घेर हमने कितना रखा, कपड़ा इसकी जो है घेर इसका कम है इसलिए मैं भी कम ही रखूँगी, वैसे ज़्यादा घेर मुझे पसंद भी नहीं है। इसका मैं रख लेती हूँ 23 इंच,
23 इंच मैंने घेर रख लिया इसका। ऊपर से जो है हमारा नेफा वो 10 इंच होगा, आसन हमारा 10 इंच होगा, ठीक है। 10 इंच पे मैंने आसन रख लिया, ऊपर 5-15 हो जाएगा, ठीक है। इसका आसन कम रख लिया और इस निशान को हम ऐसे इधर मिला लेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि दूसरा कुंदा इसमें से हमारा निकल जाएगा। दूसरे कुंदे के लिए हमने क्या करना है, यहाँ से हम देखते हैं 10 इंच, इधर से 10 इंच रखा था, इधर से भी हम रखेंगे 10 इंच। यहाँ पे आ गया हमारा ये 10 इंच, यहाँ पे आ गया। इस निशान को हम मिला देंगे, ये निशान मिलाएंगे, ये 10 इंच इधर रख लिया। ये इसका नेफा है, ये दूसरे वाले कुंडे का नेफा है, और इसका फिर मैंने 23 इंच रखा था, इसका भी फिर हम रख के देखते हैं कि 23 इंच आता है इसका, फिर एक जैसा होना चाहिए। यही तो हमने चेक करना है, इसका कम आ रहा है फिर, तो इसका भी हम कम कर देंगे। एक का फिर कम आएगा तो दूसरे का भी कम रख लेंगे, क्योंकि ऐसे पूरा कपड़ा नहीं आएगा, क्योंकि इसका घेर कम है, इस वजह से हमें एहतियात से 20 आ रहा है उसका, तो इसका हम कर लेते हैं 21 इंच। फिर 21 इंच मैंने फिर कर लिया इसका, अब उधर से कपड़ा एक्स्ट्रा हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है। 21 इंच इसका घेर कर लिया, 10 इंच इसकी लेंथ है, इसको हम ऐसे मिला देंगे, ये लेंथ मिल गई। और इसको हम ऐसे इधर से ये जो 3 इंच का हमने निशान लगाया हुआ है इसके साथ मिला देंगे, ठीक है। ये निशान मिल गए। अब हम चेक करते हैं इधर से 10 इंच पे, जितना अगर हम इधर काम करेंगे उतना उधर भी पीस बढ़ जाएगा। 10 इंच पे निशान लगाएंगे तो 10 इंच आ गया हमारा इधर, अब हमारा उतना इधर से फर्क पड़ जाएगा, ये 10 इंच इधर आ गया, ये ठीक है। 10 इंच पे हम निशान लगा लेंगे, इस पे हम लगाते हैं निशान, ये इसका आसन हो गया, ये इसका। अब हम जो रखेंगे अब इसकी हम लेंथ, इसका फिर घेर चेक करते हैं, इसका घेर कितना है, इसका भी हो गया 21। देखा इधर से 21 रखा और इधर से भी 21 आ गया। अब इसका 10 इंच का घेर हो गया और इधर से हमने क्या रखना है, जैसे उधर से 3 इंच रखा था पांचे के लिए, इधर 3.5 रख रहा है, इधर से भी 3.5 रख रहे थे, तो इस निशान को इस निशान से मिला के तो हमने कट कर देना है। अगर आपको ये मुश्किल लगेगा तो आपने एक पीस उतार के तो फिर दूसरा उसके ऊपर रख के कट कर लेना। ये देखिए ये निशान मिला देना ऐसे सिंपल, ये निशान देखिए 3 इंच इधर से रखा, 3 इंच इधर से, 10 इंच इधर से 10, एक कुंदा इधर से निकलेगा, एक कुंदा इधर से निकलेगा। अब मैं आपको कुंदों की कटिंग कैसे करती हूँ, एक्स्ट्रा जो कपड़ा ने मैंने उतार दिया, ये 3 इंच का निशान है, यहाँ से हमने कटिंग करनी स्टार्ट करनी है। इसमें निशान मैंने लगाया हुआ, निशान मैंने ज़रा गहरा लगाया कि नज़र आ रहा है प्रिंट कपड़ा ना, इसलिए ये सीरीज की कटिंग कर देंगे। ठीक है, अब ये कुंदा निकालने के लिए यहाँ से इसको कट कर देंगे, ये बन गया हमारा एक कुंदा हमारा, ये दूसरा कुंदा हमारा, ये इसकी मैं कटिंग करके दिखा देती हूँ आपको। ये हमारे हो गए जी दोनों कुंदे, इस कुंदे को हम इसके ऊपर ऐसे रख लेते हैं, चेक करें इसकी कटिंग, अगर कोई कमी बेशी हो तो वो बनना कर लेते साथ। ये देखिए ये हमारे हो गए दोनों कुंदे, दो नहीं बल्कि 4 पीस होते हैं इसके, ये 2, 3, 4 ही ऊपर से पीसेस का कट कर लेंगे, 4 पीसेस होते हैं इसके,
ये देखें ये कुंदे हैं जो मैंने काटे थे, इस तरह से कुंदे लगेंगे। इसकी मैं स्टिचिंग की वीडियो भी अपलोड कर दूंगी कुछ दिनों बाद। ये कुंदे और ये साथ में इसके ये पांचे लग रहे हैं, एक इधर भी लग रहे हैं एक पांचा और एक उधर। अब मैंने पीस कट नहीं किया हुआ वरना मैं आपको लगा के बता देती हूँ पांचा। और ये इसका ऊपर बेल्ट है, जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसकी हम चुन्नी डालेंगे तो फिर ये बन जाएगी हमारी पटियाला सलवार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी सारी आने वाली वीडियो आपको मिल सके।